वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक नई बीमारी के लिए पूरे वर्ल्ड को एक चेतावनी दे दी है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ मंकी पॉक्स की। और ये जो मंकी पॉक्स है, इसने 11 कंट्रीज को अपने चपेट में ले लिया है, जिसमें से यूके, फ्रांस, इंग्लैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल है। और ये जो मंकी पॉक्स है, इसके लिए स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इसके लिए स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। मंकी पॉक्स को WHO और अमेरिका ने इसलिए वॉर्न किया है क्योंकि यूके और बेल्जियम ने तो जो भी मंकी पॉक्स से पीड़ित आदमी है उनको 21 डेज का क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी हाँ गाइज, COVID-19 से भी ज्यादा, 21 डेज यानी 3 वीक का क्वारंटाइन। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है, इसका फर्टिलिटी रेट कितना है और इसका ट्रांसमिशन आखिर इंसानों में कैसे हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसको 1958 में मंकी में वैज्ञानिकों द्वारा डिस्कवर किया जाता है और इस मंकी पॉक्स वायरस का इंसानों में केस 1970 में पता चलता है। और ये जो मंकी पॉक्स डिजीज है, ये पूरे यूरोप से स्टार्ट होकर पूरे अफ्रीका को अपने चपेट में ले लेती है। अब सबसे पहले आप मुझसे एक ही क्वेश्चन करोगे कि आखिर ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये अब इंसानों में इतना फैलना क्यों शुरू हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मंकी पॉक्स जो डिजीज है, ये एक जूनोटिक डिजीज है। इसका मतलब ये जानवरों से जानवरों में ज्यादा फैलती थी, पर अब ये जानवरों से इंसानों में भी फैलने लगी है और इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी होने लगा है। अब अगर कोई भी इंसान जिसे मंकी पॉक्स डिजीज हुई है, अगर कोई उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है, तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी मंकी पॉक्स डिजीज हो जाए। तो इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक चेतावनी दे दी है। अब आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि आखिर मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स क्या क्या है। जिसको भी मंकी पॉक्स डिजीज हुई होती है तो उसके स्किन में ऐसे ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे स्किन में एक फोड़े टाइप के निकलना शुरू हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, मंकी पॉक्स वायरस के जो भी ये ब्लिस्टर हुए हैं, जो इनके निशान है, ये हमेशा के लिए परमानेंट रह जाते हैं। जी हाँ गाइज, इसीलिए WHO ने पूरे वर्ल्ड को चेतावनी दी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके और बेल्जियम और भी अदर कंट्रीज है जिन्होंने 21 डेज का क्वारंटाइन रखा है और इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जिनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, उन्हें एयर के कॉन्टेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी एक क्लोज कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है। अब आपको मंकी पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में पता तो चल ही गया है, तो आपको एक चीज जरूर याद आ रही होगी कि जो ये मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं, ये स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स से मैच करती है। और अगर मैं स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स को कंपेयर करता हूं, तो जो ट्रांसमिशन रेट है ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का, तो मंकी पॉक्स का अभी कम है, स्मॉल पॉक्स का ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मंकी पॉक्स डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से भी मदद मांगी है। ये देखिए गाइस, आपको इस पर भी आर्टिकल मिल जाएगा। और इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, इन्होंने कहा है कि वो हेल्प करेंगे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो भी मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको टेस्ट करने में और उनको ठीक करने में। अब आप यही सोचेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ही टेस्ट करने की क्यों बात कही है। तो मैं आपको बता दूं, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, उसकी जो 40% पॉपुलेशन है, वो बहुत ही गरीब है और अनएजुकेटेड है, और ऐसा हो सकता है कि मंकी पॉक्स यहां पर फैलने के ज्यादा चांस। अब अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, मंकी पॉक्स डिजीज का अभी तक कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो इसको अच्छे से क्योर कर सके। पर इसके बाद भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लगाई जा रही है, वो मंकी पॉक्स के लिए भी काम कर सकती है, और स्मॉल पॉक्स की कुछ मेडिसिन मंकी पॉक्स को ठीक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। पर ये सिर्फ सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, पर उसको किल नहीं करेगा। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मंकी पॉक्स के लिए तो एक वैक्सीन है, पर और कंट्रीज में अभी वैक्सीन नहीं आई है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास जो मंकी पॉक्स वैक्सीन है, वो इतनी ज्यादा भी अभी तक इफेक्टिव नहीं मानी गई है। अब अगला क्वेश्चन आपका यही होगा कि आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिसको भी मंकी पॉक्स डिटेक्ट हो चुका है, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी काफी कम है, पर इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 3-6% है। और अगली चीज जो WHO ने कहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।